इधर पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि गरीब परिवारों का श्राप मोदी और शाह की सरकार को पड़ेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मात्र 4 अस्पताल को बिहार से सूचीबद्ध किया गया है। नीरज कुमार ने कहा कि क्या इन्हीं 4 अस्पतालों में हिंदू जाता है, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाता? मदद मिली है अपने कार्यकाल में 1,59,42,53,21 रुपया गंभीर बीमारियों की मदद में दिया है। ऐ पाखंडी हिंदू असुरी चौबे, श्वेत पत्र जारी करिए आप कि प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कितने बिहारियों को मदद मिली है, कितनी राशि आपने दिया है, उसमें कितना आपको मर्जी करैया दे दीजिए, कितने सनातनी को दिया, कितने वैष्णव को दिया, कितना शिखाधारी को दिया, कितना त्रिशूलधारी को दिया, कितना मंदिर के महंत को दिया, बजरंग बली की पूजा करने वाले किन लोगों की को दिया। लेकिन ये सूची सार्वजनिक करिए बिहार की जनता के सामने कि प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में कितनी राशि मिली है। आपने माननीय सांसद को भी सीमित कर दिया कि आप इतना ही अनुशंसा कर सकते हैं। कैसे राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं। 10 लाख जिसका एक संसदीय क्षेत्र की मोटे तौर पर आबादी होती है, उसमें लोग जाते हैं, क्षेत्र से लोग जुड़े रहते हैं, तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता का कोष में जो आएगा सबको मिलेगा, जो मापदंड है। लेकिन इन प्रकांड हिंदू राम राम करने वाले, इलो हनुमान जी करने वाले, देखे कितना बता दिया।